हमारा पूरा फार्म अराउंड 150 एकड़ में है, 125 एकड़ में है। ये TMR है, ये भी स्वीडन का है, ये सारा गाय का चारा मिक्स करता है। और एवरेज आपका एक लीटर दूध कैसे जाता है यहाँ से? हमारा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ लीटर बिकता है। 100 रुपीज़ वो ब्रश का मसाजिंग ब्रश है, इससे एनिमल का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और क्लीन रहता है। सबसे पहले एनिमल को हम शावर टनल के थ्रू पास कराते हैं, ये वाला शावर। हाँ। इससे क्या बेनिफिट होता है, एनिमल की जो हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है जब उससे पानी पड़ता है। क्या उतना अफोर्डेबल है देसी गाय पालना? आज के वीडियो में आप पक्का चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि 1-2 एकड़ नहीं 125 एकड़ का डेयरी फार्म हम आपको दिखाने वाले हैं। पुणे के पास में है मिस्टर मिल्क, यहाँ पे डेयरी फार्म है, काफी कमाल का है। और यहाँ पे गिर और सहीवाल, ये गाय फार्मिंग किया जाता है यहाँ पे। तो किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे, क्या ऑटोमेशन है, क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई, और किस तरीके से जो है पूरे पुणे में जो है यहाँ से दूध का सप्लाई अलग अलग तरीके से किया जाता है, पूरा का पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही अतरंगी वीडियोस आपके पास आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों, मुझे इस फार्म पे आने के बाद ऐसा लगा कि मैं इंडिया के बाहर का कहीं का फार्म देख रहा हूँ, इस तरीके से ये कुछ फार्म है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे दीपक सर है। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, आप हमें ये बताइए आपके फार्म के बारे में, आपके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दीजिए जो लोग हमारे देख रहे हैं। तो हमारे फार्म का नाम है मित्तल हैप्पी काउ डेयरी फार्म। ये पुणे से 45 किलोमीटर दूर वड़गांव मावल में है। यहाँ पर हम गिर और साहिवाल गाय का पालन करते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा, यहाँ पे जो है आपके पूरे फार्म यहाँ पे कितना एरिया में है? हमारा पूरा फार्म अराउंड 150 एकड़ में है, 125 एकड़ में है। और 125 एकड़ में गाय है, वो गाय कितने एरिया में है? गाय हमारा 15 एकड़ में है, बाकी खेती करते हैं हम, गाय का चारा लगाते हैं खुद से। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास जो ये गाय है ये कौन सी ब्रीड की है? ये हमारे पास गिर और साहिवाल। गिर और साहिवाल है। तो यहाँ पे मुझे बताइए ये अभी कौन सी गाय है? ये साहिवाल गाय। साहिवाल है। और साहिवाल को और गिर को कैसे पहचाना जाता है? इनको देख के कानों का फर्क रहता है, इनका बॉडी साइज। ये कानों का फर्क है, बॉडी का साइज। बॉडी का साइज ये साहिवाल। और यहाँ पे गिर है कोई? अभी गिर उस साइड में है। गिर उस साइड में। चलिए हम बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने देख सकते हैं ये साहिवाल है और उस साइड में गिर है, उसके बारे में हम देखते हैं। किसान भाइयों, अभी आप डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इससे भी तगड़ी जानकारी मैं आपको वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में देने वाला हूं। अभी मेरे खेत में टमाटर है, शिमला है, आम है, ये सब है, लेकिन गर्मियों में इसको ग्रो करना काफी मुश्किल जाता है, परंतु मेरी फसलें देखिए कितनी अच्छी है, इसकी वजह है वेदर एंड रडार ऐप। आने वाले 14 दिन का फोरकास्ट ये दिखाता है, इससे मैं खेत कब तैयार करना है या प्लांटेशन कब करना है इसका प्लान करता हूं। ये रोज का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सारी चीजें दिखाता है। इसके वजह से गर्मी में खेती का मैनेजमेंट करने में काफी हेल्प हो जाती है। ये वेदर अलर्ट भी देता है, इसमें रेन रडार और विंड रडार भी है। अचानक से होने वाले बदलाव एक्यूरेट बताने की वजह से हार्वेस्टिंग प्लान हो या पूरे हफ्ते का सारा प्लान हो, इसके मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। वेदर एंड रडार ऐप का 12 महीने आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं खेती में। तो दोस्तों, लेट होने से अच्छा है सब एडवांस हो, और ये ऐप इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इससे फायदा ही फायदा होगा, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और नुकसान से बचिए। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको इसके बारे में जानकारी है क्या कि गिर और सहीवाल को कौन से राज्य में ज्यादातर पाला जाता है या सब जगह होती है? नहीं, गिर जो बेसिकली उसका ओरिजिन गुजरात है और साहिवाल का ओरिजिन पाकिस्तान है, बट ये गाय ज्यादातर राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर साइड पे ज्यादा पाई जाती है। मैंने बहुत सारे फार्म देखे, डेयरी फार्म, तो ज्यादातर HF पाली जाती है, लेकिन आपने यहाँ पे देसी का ही चुनाव क्यों किया? हमने देसी का इसलिए क्योंकि एक तो हमें ये जो प्रजाति है वो हमें बचानी है, और HF लोग ज्यादातर इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है, तो फार्म को मुनाफा ज्यादा होता है HF का। ठीक है। और देसी का क्या है, दूध की क्वालिटी है मगर थोड़ा क्वांटिटी कम है, तो अच्छा। इसलिए हम ब्रीड पे काम करके एक अच्छी देसी गाय बना रहे हैं जो ज्यादा दूध दे। क्या उतना अफोर्डेबल है देसी गाय पालना? हाँ, अफोर्डेबल इतना नहीं है, मगर क्या है कि अगर काम किया जाए तो अफोर्डेबल बन सकता है। और अभी आपका ये फार्म अभी कितने सालों से चल रहा है? ये 5 साल हो गए फार्म को। 5 साल हो गए? 5 साल। और अभी यहाँ पे कितनी टोटल गायें हैं? अभी 450 एनिमल है। 450 एनिमल्स है। तो आप मुझे ये बताइए कि 450 आपने शुरुआत कितने गाय से की थी? 3 गाय से करी थी। केवल 3 गाय? केवल 3। और बाद में इतनी सारी बाहर से लाई। और अभी क्या हो रहा है, अपने फार्म के जो बच्चे 3 साल पहले 4 साल पहले पैदा हुए थे अभी वही दूध में आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये इंटरेस्टिंग लगे कि फार्म हमारे इंडिया में कोई भी करने जाता है तो एकदम छोटा होता है या बेसिक होता है,
लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि एकदम हाईटेक ऑटोमेशन, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इतना हाईटेक बनाया जाए? आइडिया तो ये था कि एनिमल को अच्छा स्पेस मिले। ओके, तो छोटे एरिया में एनिमल खुश नहीं रहता। ये बात सही है। फिर हमने स्पेस ज़्यादा रखा और एनिमल कम्फर्ट के ऊपर ध्यान दिया है कि गाय को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए आपने अलग अलग तीन चार अलग अलग हमने शेड किए। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्यों रखे गए अभी? ये गाय के है, अब उनकी माँ उधर है तो मदर लिंचिंग, माँ और बच्चा साथ साथ। अच्छा, साथ में रहना चाहिए। और इनको फीडिंग चारा वगैरह दूध देना हो तो माँ के पास जाती है कि माँ? नहीं, माँ के पास जाते हैं बच्चे। बच्चे माँ के पास भेजने पड़ते हैं। हाँ जी, ये वो गाय हैं जो भी अभी 15 दिन में जो बच्चा देंगी। अच्छा, ये इधर अलग से रखी गई है? हाँ, बच्चा देंगे। इनको बिल्डअप करते हैं तो जब बच्चा देती है तो हम इनको वहाँ पर ले जाते हैं। मतलब आपके जो पूरा फार्म है यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, मतलब बच्चों का सेक्शन अलग, जो माँ बनने वाले उनका सेक्शन अलग, जो माँ बन चुके उनका अलग, सारा अलग अलग अलग। बुल कहाँ पे रखते हैं आप? बुल हमारा यहाँ पर मैटर्निटी में है और यहाँ पर भी बुल है छोड़ा हुआ। यहाँ पे भी अभी सामने जो है वो गिर का बुल है, ये सामने जिसके कान ये वाला हाँ ये वाला, वो नीचे कान है वो? हाँ, नीचे कान है, बड़े बड़े कान है। हाँ, वो गिर का, उससे पहचान में आता है गिर कौन सा है और अच्छा गिर कौन सा वहाँ पे है। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आपने पूरे स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पे ये पाइप है, ये किस लिए लगाई है, फैन किस लिए लगाया है, ये थोड़ा सा हमें ऑन करके अभी देख सकते हैं क्या? हाँ जी। तो दोस्तों अभी हमने आपके लिए यहाँ पे फैन ऑन करवा दिया, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि फैन क्यों है ये और ये पाइप्स क्यों है, बताइए सर किस लिए ये? अभी ये जो फैन है ये इसलिए है कि जब एनिमल शेड में ज्यादा हो जाता है तो हीट उसकी निकालने के लिए फैन लगा है, तो एक कूलिंग सिस्टम की तरह का, पूरे एक लाइन से लगाया, एक लाइन से यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये फॉगर इसलिए है कि जब एनिमल की बॉडी पे शावरिंग होती है तो जो बॉडी की हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है। एक मिनट में फैन बंद करवा देता हूँ, बंद कर दीजिए। ये जो है शावर करता है, यहाँ पे आगे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, जब ज्यादा हीट होती है गर्मी होती है तो वो बॉडी की हीट को इवेपोरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये पानी पूरा ऊपर उड़ाता है, पानी और पंखा भी इसके सामने है तो एकदम ठंडा मौसम, जो शेड का हीट होता है वो बाहर आ जाती है, तो मतलब इधर से ठंडी हवा अंदर आती है उधर से सीधा बाहर जाती है। उससे क्या एनिमल जब कम्फर्ट में रहता है तो दूध ज्यादा देता है और अच्छा दूध आता है। अच्छा, जिससे कि इंसानों को अच्छा बेनिफिट मिलता है दूध पी के। अच्छा, और इसके बाद मुझे ये बताइए कि यहाँ पे फीडिंग का सिस्टम कैसे होता है? फीडिंग का जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मिल्किंग के लिए एनिमल जाता है तो साइड बाय साइड उसका चारा तैयार होता है और वो यहाँ पर ग्रुप वाइज उसका चारा डल जाता है। चारा कहाँ पे तैयार होता है? अपना वहाँ पर हे स्टोरेज है, वहाँ पर अपना चारा तैयार होता है। चारा बाहर तैयार होता है, किस तरीके से चारा तैयार होता है? उसमें हरा मिक्स करते हैं, सूखा मिक्स करते हैं और दाना मिक्स करते हैं। दाना, हरा और सूखा पूरा मिक्स करके पूरा घोल बनाते हैं और सब इन हाउस है हमारा, कुछ भी हम बाहर से नहीं लेते। बाहर से नहीं लेते, सब इन हाउस है। और चारा पूरा आपके फार्म पे यहाँ आसपास ही बनता है? पूरा आसपास, उसमें मकई का चारा हो या सब मिक्स होता है, सब मिक्स होता है। उसमें साइलेज होता है, घास होता है, दाने में हम खुद बनाते हैं दाना, तब हम खुद ही लगाते हैं और पूरा ट्रैक्टर से यहाँ पे गिराया जाता है। तो क्या है, जब एनिमल वहाँ से मिल्किंग को कराएगा तो उसको चारा रेडी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे वो रेडी मिलेगा। तो पानी का सिस्टम आपने यहाँ पे क्या किया? अभी पानी का आप देखेंगे तो हमने ऑटोमेटेड वाटर ट्रफ लगाए हैं, एनिमल जाएगा पानी आएगा पी के वापस आ जाएगा, वहाँ पर पानी रुकेगा नहीं, जिससे कि काई वगैरह का कुछ लगने का कुछ स्कोप नहीं है। ये सारी टेक्नोलॉजी आपने कहाँ से? ये सब टेक्नोलॉजी स्वीडन की है। अच्छा, सब ये जो जितना भी पूरा फार्म है वो सब स्वीडिश मशीनरी से पूरा लगा हुआ है, पूरा का पूरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो टप है उसके अंदर पानी सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता है और वो गंदा नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, फ्रेश पानी पशुओं को मिलता, पानी हमेशा 24 घंटे पशुओं को मिलता है। और इसके पीछे मैंने देखा कि यहाँ पे गाय जो पूरी बैठी हुई है, आपने मिट्टी डाली है कि वो सीधा उनका गोबर है? नहीं, मिट्टी है। अभी ये मिट्टी और गोबर हम मिक्स कर लेते हैं रोटर से। अच्छा, उसके बाद हर 2-3 महीने में हम ये बेडिंग उठा के खेत में डाल देते हैं तो दूसरा बेडिंग बन जाता है। अच्छा, ये बात है, मतलब आप पशु को सीधा ऐसे खुला छोड़ देते, कहीं पे बांधते नहीं है। दूसरा, मिट्टी से क्या है, पशु के जो नाखून होते हैं वो हेल्दी रहते हैं तो उनको लंगड़ाने का और ऐसा कुछ बीमारी लगता नहीं है। नीचे आपने मतलब सीमेंट का कोई सिस्टम नहीं? नहीं, सीमेंट कुछ नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी है पूरा का पूरा। आइए आगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये पूछनी है कि यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है या गोबर गिरा हुआ है पशु का, ये यहाँ से बाहर कैसे निकलता है? अभी हमारा 2 बजे ट्रैक्टर आएगा, इस पूरे को सारा बाहर निकाल के, पीछे गटर है तो उसमें सब ये डंप कर देगा। और गटर में जब वो डंप कर देंगे आप, हाँ जी, तो उसका आगे क्या प्रोसेस होता है? उसका आगे फिर हम उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और पाउडर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो आगे हम जाके देखते हैं, अभी जाके देखते। ये कौन सा शेड आपने बताया? बच्चा देने के बाद गाय को 10 दिन यहाँ रखते हैं जब तक उसका दूध अच्छा नहीं हो जाता पीने लायक। अच्छा, और ये घास क्यों रखी है इसी? ये घास सुखाने के लिए रखी है। अच्छा, आप घास शाम को ये जाएगी? अच्छा, ये घास सुखाते हैं और फिर मिक्सिंग के लिए जाएगी। और इसके बाद ये वाला किसके लिए रखा है, मतलब किसके? यहाँ पर हमारे सारे मिल्किंग एनिमल्स हैं। अच्छा, मिल्किंग जो दूध देते हैं यहाँ पे? जो दूध देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए अलग अलग शेड है? अलग अलग शेड है।
क्योंकि दूध ढूंढना पड़ेगा नहीं तो। तो 400 गायें हैं आपके पास, तो इनको कैसे आप समझते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा देने वाली है या कैसे? वो क्या हम होता पूरा सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं जिसमें हर एक गाय का पूरा हिस्ट्री रहता है, कितनी बार बच्चा दिया, कितना दूध दिया, वो सब डिटेल है हमारे। हाँ, पूरा डिटेल रहता है हर एक गाय का। हर एक गाय का। अच्छा, गाय के कान के ऊपर मैंने टैग देखा। टैग है। एक और जरूरी चीज, हम तो उधर जा रहे हैं लेकिन मैंने देखा कि हर फार्म पे जो है ब्रश है एक येलो कलर का। वो ब्रश का मसाजिंग ब्रश है, इससे एनिमल का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और क्लीन रहता है। तो वो ब्रश किस तरीके से काम करता है थोड़ा बताइए। ऑटोमेटिक, एनिमल उसके पास जाके उसको पुश करेगा 360 डिग्री में, वो ऑटोमेटिक घूमता है। वो भी अभी हम हाथ लगाएंगे तो घूमेगा नहीं, एनिमल टच करेगा तो घूमेगा, अपने से नहीं होगा। नहीं, क्योंकि RFID जो टैग लगा एनिमल के वो उसको सेंस करता है। और इसके फायदे क्या होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दूध अच्छा देगा, ज्यादा देगा, वो जो अच्छा दूध है वो इंसानों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा उससे, और फिर एनिमल क्लीन रहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ब्रश जो किस तरीके से काम करता है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो पूरा गोबर का जो मल निकल रहा है या जो भी गोबर निकल रहा है इसमें से सीधा आ रहा है। हाँ जी, फ्लो होके इसमें से फ्लो होके इस टैंक में गिरता है, बड़े वाले टैंक में। बड़े वाले। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले बताइए चालू होने से, क्योंकि वो भी आवाज करेगा बाद में। तो अभी ये जो पूरा इसमें गटर है, इसमें पानी, गौमूत्र और गौ का गोबर मिक्स है, तो ये सारा इसमें, इसको स्लरी बोलते हैं। राइट। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो पाउडर अलग हो जाएगा, वो पाउडर हम गांडुल खाद में यूज करते हैं। मतलब इसके गोबर अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएगा। और लिक्विड जाएगा सामने टैंक में, जो कि फिर हॉर्टिकल्चर या अपने खेत में चला जाएगा। ये पंप है जो कि पानी को सर्कुलेट करता है, और वो सेपरेटर है जो कि पानी और पाउडर को सेपरेट, उनके पीछे जो लगा हुआ वो है, जो उनके पीछे लगा हुआ। और यहाँ पे ये मड पंप है, ये सर्कुलेट करता है। ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी होगी फिर। ये स्वीडन का टेक्नोलॉजी है। स्वीडन का टेक्नोलॉजी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हर एक जो चीज है वो काफी बाहर से मंगाई गई है। आपने ये अभी क्या कर रहा है बाहर? ये वाटर को सर्कुलेट कर रहा है, मिक्स कर रहा है पानी को। पानी को मिक्स करने के बाद इसमें जो गोबर होता है वो अलग करेगा। हाँ, अभी हम जब वो ऑन करेंगे तो पानी उधर जाएगा, पाउडर होगा वो नीचे गिरेगा, जो ग्रीन वाटर है वो सामने टंकी में वहाँ पे जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए पानी जो है ये अलग कर रहा है और गोबर को अलग कर रहा है, यानी कि हमें फार्म पे गोबर अलग रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अलग अलग पानी और गोबर यहाँ से इस मशीन से अलग हो जाता है। और ये जब गोबर अलग हो गया तो मैंने देखा वहाँ पे पूरा सिस्टम किया गया, ये क्या किया है? वो गांडुल खत का है, जो जितना भी पाउडर निकलता है वहाँ हम वहाँ पर डाल देते हैं बेडिंग में, वर्मी कंपोस्ट। तो वहाँ से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट आप बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं। इतने खेत में ही अपना पूरा यूज हो जाता है, जो बचता है वो दे देते हैं। कैसे किलो है अभी? 7 रुपये किलो हम अभी दे रहे हैं। अच्छा रेट है 7 रुपये, मतलब आप ठीक ठाक रेट से देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 10-15-12 रुपये ऐसे भी बिक रहे हैं। और ये जो गोमूत्र अलग कर रहे हैं आप, इसका क्या करते हैं? इसको खेत में डाल देते हैं, आपके खेत में। हाँ, वाटरिंग के लिए पूरा यही वाला पानी यूज करते हैं, यही वाला ग्रीन वाटर बोलते हैं इसको। अच्छा दीपक सर, मुझे ये बताइए कि रोजाना यहाँ पे दूध कितने बजे निकलता है, क्या प्रोसेस होता है सुबह से लेकर शाम तक का? तो रोजाना यहाँ पे 4 बजे दूध निकलता है सुबह के 4 बजे। अच्छा, तो क्या होता है, सबसे पहले एनिमल को हम शावर टनल के थ्रू पास कराते हैं, ये वाला शावर। इससे क्या बेनिफिट होता है, एनिमल की जो हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है जब उस पर पानी पड़ता है। अच्छा, तो एनिमल यहाँ पर शावर के यहाँ पर आके, यहाँ पर काउ होल्डिंग एरिया, वो अंदर यहाँ पर काउ रुकती है वहाँ। हाँ, यहाँ पर काउ होल्ड करती है। अच्छा, तो इसके बाद फिर हम उनके बच्चे लाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये काफ होल्डिंग एरिया है। अच्छा। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, मैं और बच्चा साथ साथ रहेंगे। ओ, तो जो उनका नेचुरल मदरली इंस्टिंक्ट है वो बना रहेगा यहाँ पर। ये बात है, यानी कि भैंस जो है दूध भी अच्छा देगी। हाँ जी। तो दूध निकाला कहाँ पे जाता है? वो दूध हमारा यहाँ पर निकलता है। अच्छा, यहाँ से अंदर जाती है गाय? यहाँ से एनिमल पूरा अंदर जाता है। ओके। 12 गाय का दूध एक साथ निकलता है। तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है ये मशीन से निकलता है? ये मशीन से निकलता है। इसमें ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस आदमी का हाथ मशीन लगाने के लिए लगता है, उसके बाद सारा मशीन काम करती है। पूरा हाइजेनिक है? मतलब पूरा हाइजेनिक। सामने देख सकते हैं दोस्तों, कमाल का पूरा सिस्टम है। ये भी पूरा इंडिया के बाहर से ही लाया गया? ये सब स्वीडन का टेक्नोलॉजी है, बाहर से ही लाया गया। बाहर से। यहाँ पे भी फैन पैड कूलिंग सिस्टम लगाया गया है? यहाँ पर भी कूलिंग सिस्टम। तो सुबह के 4 बजे दूध निकल गया एक बार, ठीक है, उसके बाद चारा कब डालते हैं उसको? तुरंत सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे तुरंत चारा? यहाँ पर गाय का दूध निकल रहा है, वहाँ पर उसका चारा डाल रहा है। तो इतने अर्ली मॉर्निंग दूध क्यों निकाला जाता है? अर्ली मॉर्निंग इसलिए दूध निकाला जाता है, गाय एकदम फ्रेश रहता है सुबह। हाँ, सुबह। अच्छा, तो इसलिए दूध अच्छा आता है और वो सब चीज। और एक दूध मिल्किंग और दूसरा मिल्किंग के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस होता है। तो जब आप सुबह 4 बजे इसको दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद चारा डालते हैं, सूखा हरा और जो भी मिक्स आपने कॉम्बिनेशन बनाया है वो, वो 4 बजे एक ही बार डालते कि फिर कभी दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं डालते, एक ही बार रहेगा? एक ही बार डालते, इसके बाद शाम को 4 बजे वही प्रोसेस होगा, फिर इधर लिया जाएगा शावर के थ्रू लिया जाएगा, फिर उनको जो है दूध निकाला जाएगा, दूध निकालने के बाद उनको चारा डाला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पूरा सिस्टम आपने किया है। अच्छा, आपने
मुझे बताया कि लगभग लगभग 200 से 250 जो यहाँ पे दूध देती है यहाँ पे गाय हैं, तो यहाँ पे डेली कितना मिल्किंग होता है? लगभग 1500 से 1600 लीटर दूध डेली निकलता है। डेली निकलता है। और एक ये देसी गाय कितना दूध देती है? एवरेज 8-9 लीटर। बाप रे, लोगों के दिमाग में ये समझ है कि 3 लीटर 4 लीटर 2 लीटर देती है। हमने ब्रीड के ऊपर काम किया है, हमने अच्छा उसको रिप्रोड्यूस कराया, उसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से अभी वो जो उनके बच्चे हैं उनमें वो जीन्स है कि वो अच्छा दूध दे सके। तो ये गाय आपने कुछ बाहर से खरीदी है या खुद आपने बनाई है? डेवलप कुछ हमने बाहर से खरीदी है, बाकी सब डेवलप किए हैं यहाँ पे। आप जब 1000 से 1500 लीटर दूध निकालते हैं डेली का, तो इसका साइकिल कैसे रहता है, मतलब ये दूध का क्या होता है आगे? इस दूध को फिर आगे हम पाश्चराइज करते हैं। हाँ। और फिर हम उसको पैक करते हैं। अच्छा, वो दूध जाता फिर कहाँ पे है? कस्टमर्स को, हमारे सीधा कस्टमर्स? सीधा कस्टमर्स। ओ यार कमाल। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दूध सीधा कस्टमर को जाता है, मिडलमैन को नहीं जाता है। मिडलमैन को नहीं जाता है। और एवरेज आपका 1 लीटर दूध कैसे जाता है यहाँ से? हमारा 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ लीटर बिकता है? 100 रुपीज़। बाप रे, ये गाड़ियाँ आपकी है पूरा? हाँ जी, मतलब ये इस गाड़ी से दूध जाता है? इस गाड़ी से दूध जाता है। ठीक है, गाड़ी के ऊपर आपने लिखा है फार्म फ्रेश A2। देसी काऊ मिल्क A2। और क्या इसका A2 और A1 होता है ना? हाँ जी। तो इसका प्रोटीन का है, जो डिफरेंस क्या है? जर्सी गाय जो रहता है उसके मिल्क में A1 प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। अच्छा। और जो देसी गाय का दूध रहता है वो उसमें A2 बीटा काइजिन प्रोटीन है वो पाया जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये तो काफी बड़ा मुद्दा है A1 और A2, इसके बारे में काफी डिस्कस हम कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो पुणे में हर एक घर के सामने ये गाड़ी जाती है कि कैसे होता है? नहीं, हमारा ये गाड़ी हब में जाके खड़ा हो जाता है, हमारा जो ऑफिस है, उसके बाद डिलीवरी बॉयज आते हैं और अपना अपना ऑर्डर लेके चले जाते हैं। तो डिलीवरी कैसे आता है? ऐप थ्रू जाते हैं? हमारा ऐप का, मिस्टर मिल्क का हमारा ऐप है। अच्छा, मिस्टर मिल्क का आपका ऐप है पुणे के लिए? पुणे के लिए। पुणे के बाहर दूध नहीं जाता है अभी? पुणे और PCMC में हमारा दूध जाता है, क्योंकि आपका जितना कैपेसिटी है उतना आपका जा रहा है वहाँ। जा रहा है। तो ऐप के थ्रू कैसे 100 रुपए लीटर जाता है? हाँ जी, उसमें सब्सक्राइब करेगा कस्टमर, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, उस पर जाके कस्टमर अपना ऑर्डर डालेगा और अगले दिन उसको डिलीवरी मिल जाएगा। बहुत सही है, डिलीवरी उसी में है 100 रुपए लीटर में, एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं है? नहीं नहीं। ये बात बहुत सही है। दोस्तों कोई पुणे से देख रहा है तो कमेंट करके बताइए मिस्टर मिल्क का दूध आपने पिया है कि नहीं। तो और मिल्क में आपने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं जो मार्केट में जा रहे हैं डिलीवरी में? हमारा है दही है, बटर मिल्क है, पनीर है और घी है। ये देसी गाय का ही है? देसी गाय का, सब देसी गाय का। आपकी खुद की फैक्ट्री है वहाँ पे बनता है और वहाँ से मार्केट? यहीं पे इसी फार्म पे बनता है। इसी फार्म पे बनता है? इसी फार्म पे बनता है। तो ये क्या सिस्टम है जैसे कि पूरा? इसको साइलेज बोलते हैं मुर्गा। तो हमने 500 एनिमल का साल भर का हरा चारा ऐसे स्टोर करके रखा है। मतलब ये आपके खेत में खुद? ये हमारे खेत में लगा, हमने उसको चॉप किया, कंप्रेस किया और उसको फर्मेंटेशन होने के लिए रख दिया। ये हमने अभी 1700 टन स्टोर किया है। इसको सीधा डाला जाता है? उसको सीधा डाला जाता है। ये सही है, इसमें कोई चीज मिक्स किया है? कोई कुछ नहीं मिक्स किया है। 90 डेज का क्रॉप है, अगर करेक्ट स्टेज पे क्रॉप काट लिया तो कुछ नहीं डालने की जरूरत। अच्छा, ये अगर प्री मैच्योर या मैच्योर क्रॉप काट लिया तो फिर डालने की जरूरत पड़ता है। 90 दिन का क्रॉप काट के बराबर चॉपिंग करके इसके अंदर दबा दिया? दबा दिया। जैसे हमारे महाराष्ट्र में क्या है कि पेंट वगैरह होती है? हाँ, वो हम बनाते हैं, जिसे हम दाना बोलते हैं। हाँ, अच्छा दाना आप बोल रहे हैं, वो कहाँ पे बनता है? वो वहाँ पर। अच्छा, ये देखते हैं, काफी कमाल का सिस्टम है यहाँ पे। अभी वो हमारा जो मशीन है वो दाना बनाने का मशीन है। अच्छा, उसका रॉ मटेरियल हम अच्छी क्वालिटी का बाहर से लेते हैं, दाना हम खुद बनाते हैं। वो आपका फॉर्मूला है? वो हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, और ये कौन? ये हरी घास जो खेत से आके हमने यहाँ पर रख ली, और खेत से जो हमने कड़बा कट करके यहाँ स्टॉक कर लिया। वो ज्वार का है? ज्वार का है वो। अच्छा, जैसा हमें लगता रहता है हम कट करके यहाँ लाके हम उसको स्टॉक करते रहते हैं। ये किस चीज की मशीन है? ये TMR है, ये भी स्वीडन का है। ये सारा गाय का चारा मिक्स करता है, सूखा हरा और दाना, ये सारा मिक्स करके एक फीड फॉर्मुलेशन बन जाता है, राशन जिसे बोलते हैं, वो फिर हम शेड में डाल देते हैं। एक और जरूरी चीज मुझे ये है कि सभी लोग फार्मर्स जो है गाय तो पाल सकते हैं 10, 20, 50, लेकिन मार्केटिंग कैसे करना पड़ेगा उनके जो प्रॉफिट में वो जाए? तो मार्केटिंग और इसका क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बट छोटा फार्मर भी एक छोटे लेवल पे करके उसमें बकेट मशीन या छोटा पार्लर लगा के भी ऑटोमाइजेशन कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमाइजेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे फार्म चाहिए, तो वो ऑटोमाइजेशन करेगा तो जैसे उसका दूध बढ़ेगा तो उसको मुनाफा उसी हिसाब से होगा। तो वो मतलब दूध कैसे बेचेगा, उस दूध का मार्केटिंग? आपने तो ऐप बनाया, ऐप से आपके पास में 30 किलोमीटर पर पुणे है, पुणे में आप पास में बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई दूर बंदा है तो वो क्या कर सकता है? वो फिर ऐसा कर सकता है कि वो किसी कलेक्शन सेंटर पे अपना दूध डाले, या फिर वो उसको पाउच पैकिंग करके या बॉटल में फिल करके अपने गाँव में सेल करे।
अच्छा, देसी गाय को काफी मतलब वैल्यू है। वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। तो अंदाजन अगर कोई भी फार्मर जो है इसमें करता है तो कितना परसेंटेज तक प्रॉफिट कमा सकता है? तो प्रॉफिट का तो क्या डिपेंड करता है फार्मर पे, वो क्या गाय को खाना डाल रहा है क्या है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे फार्म में ऑटोमाइजेशन करके अच्छा चारा खिलाए पशुओं को, तो जब उसको दूध का यील्ड बढ़ता दिखेगा तो उसको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अच्छा, ये बात है। ये बात है। क्या इस फार्म को गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है क्या ऐसा? हाँ, मिलता है ना, सब्सिडी मिलता है। मिलता है, लेकिन छोटे फार्म की कि बड़े फार्म को? नहीं, बड़े और छोटे दोनों को मिलता है। दोनों को मिलता है। दोनों को मिलता है। आपने लिया है सब्सिडी? नहीं, हमने नहीं लिया क्योंकि उसके लिए बैंक लोन लेना पड़ता है। अच्छा, लोन लेना पड़ता है। ओके, और घी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो क्या था? हाँ, तो जो हम घी बनाते हैं वो हम बिलोना मेथड से बनाते हैं। तो उसके लिए हम दूध का दही लगाते हैं और फिर उस दही को हम उससे मक्खन निकाल के फिर घी बनाते हैं। तो हमारे पास बिलोना का वो मशीन है जिसमें कि हम ऑटोमाइजेशन से घी बनता है। यहीं पे बनता है? यहीं पे। और वो घी हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं? बढ़िया है भाई, एक्सपोर्ट भी घी का करने वाले हैं, तो बहुत शानदार। तो यार कमाल का हमने यहाँ पे ये फार्म पूरा देखा, जैसे लगा पूरा का पूरा हम कहीं बाहर ही आ चुके हैं। काफी यहाँ पे गाय थी, दूध कैसे निकाला जाता है, गोबर का कैसे मैनेजमेंट होता है, गोबर कैसे यहाँ से आप बेच सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, घी हुआ या दूध हुआ कैसे मार्केटिंग हो रहा है, सब कुछ हमने समझा। इसमें से आपको जो लेना है वो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लीजिए और उसको आप कीजिएगा और फायदा उठाइएगा। और पूरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। काफी मेहनत से हमने पूरा ये वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगा हो तो ढेर सारे किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, नहीं लगा हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।